कैंप टू राजा जामा मस्जिद कमेटी की जानिब से अलविदा जुमा पर खास रोजा इफ्तार दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें रोजेदार भाइयों ने रोजा इफ्तार किया और देश दुनिया के लिए चैन व अमन की दुआएं मांगी। रमजान के पाक महीने में पूरे महीने सभी मस्जिदों में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे ही कैंप टू के रजा जामा मस्जिद में हर रोज तकरीबन 750 लोगों का रोजा इफ्तारी प्रोग्राम किया जा रहा है। रमजान महीने के अलविदा जुम्मा के रोज विशेष अफ्तार दावत का एहतमाम मस्जिद कमेटी की जानिब से किया गया। अलविदा जुम्मा ते हुए इस अफ्तार की दावत में हजारों लोगों ने शिरकत की और अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज में शामिल होकर खैरो बरकत और देश दुनिया में चैन अमन की दुआ भी मांगी। अलविदा जुम्मा का अफ्तार समय 6:31 का था। ठीक इसी समय रोजेदार भाइयों ने एक साथ मिलकर अलविदा जुम्मे के दिन के रोजे को इफ्तार करके मुकम्मल किया। मस्जिद कमेटी द्वारा काफी उम्दा इंतजाम किया गया था। मस्जिद कमेटी के नायब सदर एवं एक अन्य सदस्य ने प्रोग्राम की जानकारी न्यूज टीम को दी। आज के रोजा इफ्तार में जैसा कि आज अलविदा जुम्मा था और मस्जिद में विगत वर्षों की तरह इस बार भी हर साल की तरह इस साल भी रमजान में हम लोग मस्जिद की कमेटी की जानिब से हर साल रोजा इफ्तार का इंतजाम किया जाता है और इस बार आज अलविदा जुम्मा था तो आज मस्जिद बहुत भीड़ थी और तरह तरह की चीज़ें बनाई गई थी मस्जिद में और लोगों का आना जाना रहा और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद इमाम साहब ने देश के लिए और देश की जो हालत चल रही है उसके लिए दुआ मांगी और लोगों के खैर बरकत के लिए दुआ मांगी और लोगों की भलाई के लिए दुआ मांगी। इस मस्जिद में रमज़ान में बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, पूरे महीने भर लोगों का हुजूम रहता है और लोग अफ्तारी करते हैं। कम से कम 700-800 लोगों का डेली यहाँ पर रोजाना अफ्तारी का इंतजाम किया जाता है इस मस्जिद में और खासी रौनक रहती है इस मस्जिद में। इंदौर राजा जामा मस्जिद लिंक रोड भिलाई। मैं राजा जामा मस्जिद के नायब सदर शमशाद आलम अंसारी हूँ। यहाँ 30 दिन 700 से 800 लोगों का रोज रोजा अफ्तार का प्रोग्राम रहता है और ये आवाम के टाउन से ही होता है। वक्का में लगभग 150 हमारे कमेटी के मेंबर हैं, ये सारे लोग मिल के एक साथ इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। आज विशेष चिकन बिरयानी थी, फल फ्रूट थे, चना था और बाकी और भी चीज़ें थी। शिविर का भी कुछ और आता है डेली, कुछ ना कुछ लेके आते हैं देते हैं। बाकी कमेटी अपने तरफ से सारा इंतजाम करते हैं। देश के अमन शांति के लिए दुआ की गई। बहरहाल अलविदा जुमे के साथ यह भी ऐलान हो गया कि रमजान का महीना खत्म होने वाला है और ईद आने वाली है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।